अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम व करम व फजल से कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छा काम मैं बोल रही हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के ज़रूर शुरू करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना आज जो बता रही हूँ वो है चिकन के चपली कबाब। मटन के बीफ के तो आपने खाए होंगे, चिकन के चपली कबाब भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बनाना बहुत आसान है और जो चीज़ें इसके लिए चाहिए मैं वो आपको बता देती हूँ अभी। ये मैंने साबुत धनिया और अदरक का एक टुकड़ा हमाम दस्ते में अच्छी तरह पीस लिया था। इसका टेस्ट थोड़ा ऐसे जो मसाला है इसका चपली कबाब में बहुत मज़ेदार लगता है। ये ये कह रही हूँ ग्रीन चिल्ली और जो प्याज़ है ये भी मैंने बारीक काट लिया है। ये साबुत मसाले जो आते हैं ना मुँह में ये ज़रा अच्छे अच्छे लगते हैं चपली कबाब में, इसलिए इतना टुकड़ों में प्याज और जो हरी मिर्ची है ये बहुत मज़ेदार लगती है। ये टर्मरिक पाउडर है, रेड चिल्ली है और हसबे ज़रूरत नमक है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, जितनी मकदार में आप बना रहे हैं चपली कबाब उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने ये मेरे ख्याल में हाफ़ टी स्पून तक रखे हैं। और ये टमाटर छिलका उतार के मैंने काट लिया, ठीक है। ये मसाले हमारे चपली कबाब के मज़े को और दुबाला कर देते हैं। इनको ज़रूर ऐसे काट के ही डालें। चिकन का ये जो कीमा है ये बहुत बारीक सा मिक्सी में पिसा हुआ है और बारीक होगा तो ही इसके चपली कबाब बहुत मज़े के बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। सारा इसमें जो भी मसाले हैं वो सारे इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इनका कोई ऐसी वो नहीं होती कि आपने पहले ये डालना है या वो डालना है, नहीं, आप सारी चीज़ें एक ही बार इसमें डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी खाने के वक्त, इसलिए जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप अपने चपली कबाब बनाएं। देखें इसमें मैंने एक चीज़ नहीं डाली, ना ही मैंने इसमें चने का आटा डाला, ना ही मैंने बेसन डाला है, ना ही चने का आटा डाला मैंने और ना ही कोई और ऐसी इन्ग्रीडियंट्स डाली हैं जो हमारे चपली कबाब को मतलब ना तोड़ें, मतलब टूटने से बचाएं। अंडा भी नहीं डाला, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें ना डालें, सिर्फ जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं सिर्फ उतनी डालें, आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करें। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रखना, थोड़ा सा ऑयल डालना है और आग भी इसकी धीमी रखनी है, बिल्कुल स्लो आँच रखनी है। इस तरह आप हाथों पर अपने पानी लगाते जाएँ और सारे चपली कबाब रेडी करके इस तरह तवे के ऊपर रखते जाएँगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको पलटते जाएँ। बहुत मज़ेदार से तैयार हो रहे हैं ये, आप ज़रूर बनाएं इनको, स्लो आंच पे ही रखे हैं। जो मैं एक मेन चीज़ आपको बार बार बता रही हूँ, इससे क्या होगा आपके चपली कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। इस तरह सारे चपली कबाब मेरे रेडी हो गए हैं और देखिए मैं इनको डिश में निकाल रही हूँ और बहुत मज़ेदार से लग रहे हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। सलाद बनाया हुआ है थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए। मेरे तमाम नए व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए और पुराने सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, आखिर तक मेरी रेसिपी देखें। आसान है और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होती हैं, आप इनको ज़रूर बनाएँ और कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।